ठीक है, मैंने दो एक बार मीटिंग अटेंड की जूम पर तो कुछ अच्छा सा लगा, अंदर से फीलिंग आई कि हाँ ये लोग कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी यहाँ पे, तो मुझे भी करना चाहिए। फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई, सूरज जी से बात करना शुरू किया, तो मैं जी से बात करना शुरू किया, तो समझ में आया कि बिजनेस क्यों करना चाहिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लेडीजों को क्या चाहिए, नाम पहचान मान सम्मान, तो ये हमें नहीं मिल पाता क्योंकि हमारी जिंदगी रसोई में ही शुरू होती है, रसोई से ही खत्म हो जाती है। और पहचान की बात करें, जब छोटे होते हैं तो माँ बाप के नाम से जाना जाता है कि ये उनकी बेटी है, और जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों के नाम से बुलाते हैं कि उसकी मम्मी है उसकी है। हमारी पहचान है कहाँ, है कोई हमारी पहचान नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। तो आज पहचान के नाम पे मैं आपको बताऊं कि आज मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ वहाँ मुझे मेरे नाम से जाना चाहिए। और अभी सर शायद भूल गए थे क्योंकि यहाँ पर बोलते भी यही हैं कि निहार का राजकुमार कश्यप, तो मुझे क्या चाहिए था या मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड गम अपने पीछे छोड़ के की बात का साथ चुने की बात है। बीवियाँ होती हैं वो बोलती हैं कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, पर आज की डेट में मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू से भी मैं जो भी काम करती हूँ हस्बैंड मेरे साथ ही रहते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि आप अपनी वाइफ का सपोर्ट कीजिए, उनको इस स्टेज पर लेके आइए और उनकी हेल्प करिए ताकि वो अपना नाम भी कमाएं और अपनी पहचान भी बनाएं। सो थैंक यू सो मच सर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वैसे मैडम ने सब कुछ बताई दिया, मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैडम ने बताया कि दोनों ने एक साथ ही शुरू करा था, ऑलरेडी दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ कुछ दिक्कत परेशानियाँ थी, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा ना शेयर करना चाहूँगा उससे। तो मगर सूरज जी ने, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, सूरज जी घर पे आए थे और इसके बारे में बताया था, और सूरज जी के बारे में मेरे को किसी ने बताया था कि भाई मैं सर्च कर रहा था दूसरी कंपनी, मैं हकीकत में बताऊं मैं दूसरी कंपनी सर्च कर रहा था, और युवा के बारे में पिछले एक साल से मेरे को था उसकी प्लानिंग के अंदर, और किसी ने मेरे को दिखा के जो यहाँ के टॉप ऑनर थे उनसे भी मिलवाया था, जिनका 1 करोड़ प्लस का चेक था, उनसे भी बातचीत हो रही थी, मेरी चल रही थी, मगर कुछ लग नहीं रहा था, सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पर कुछ भी। तो फिर किसी से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे सोनिया ध्यान में है, सूरज कश्यप है, तो उससे एक बार बात करके देखो आप, शायद आपको कुछ लग जाए वहाँ मिल जाए। तो मैंने कहा यार कश्यप तो हम भी हैं, तो सूरज भाई से फोन उन्होंने नंबर किया, मैंने इनसे बात करा था फोन पे, तो उन्होंने बताया ठीक है आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप दूसरे रिश्ते दे रहे हो, जैसे सर हमने बताया वहीं हम लोग गए थे, और वहाँ जाने के बाद कुछ चीज़ें क्लियर हुई, कुछ फिर भी डाउट्स में थी, जैसे मैडम ने बताया 2 महीने तक काम नहीं करा, वो सब होने के बाद फिर हम लोगों ने काम करना शुरू करा। दोस्तों काम करते करते जो पिछले महीने का जो पे आउट आया था यहाँ पर 15,265 था, क्योंकि देखो डाउट तो सभी के होते हैं, मगर डाउट को अगर क्लियर कर लेंगे हम लोग तो इजीली काम करना और हो जाता है। अगर डाउट क्लियर नहीं करोगे तो वहीं पे वहीं आप बिल्कुल नीचे बैठ जाओगे, क्योंकि किसी का भी कोई भी डाउट्स होता है, मैं कहता हूँ अपने अप्लाइंग के साथ बैठो, अप्लाइंग से क्लियर नहीं होता, जो आपका एक्टिंग गोइंग अप्लाइंग है उसके साथ बैठो, अगर उससे भी नहीं हो रहा था उसके सीनियर अप्लाइंग के साथ बैठ जाओ, मगर अपने डाउट क्लियर करो। जब क्लियर कर दोगे तो आप काम बहुत अच्छा कर सकते हो, और दूसरा के दोस्तों खुद पे विश्वास करो पहले, अगर खुद पे विश्वास है yeah. We can do it together.